कटिहार में अंबेडकर जयंती के मौके पर जिला कौमी तंजीम कमेटी की तरफ से संविधान बचाओ देश बचाओ पर एक परिचर्चा आयोजित की गई। कार्यक्रम में पूर्व सांसद तारिक अनवर इस आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। पांचों राज्य में चुनावी नतीजों को लेकर कहा कि नतीजे कांग्रेस के पक्ष में होंगे। 2019 में कांग्रेस फिर से सत्ता में आएगी। भविष्य उज्ज्वल है और आप लोगों को भी इसकी जानकारी होगी, क्योंकि इन पांचों राज्यों की जो सूचना आ रही है, जो खबरें आ रही हैं, वो स्पष्ट है कि इस बार वहाँ कांग्रेस का की सरकारें बनेंगी। और उसके कई कारण, एक तो राज्य सरकार का जो कार्यकलाप रहा, 15 साल से लोग मंत्री हैं, लेकिन उनका योगदान राज्य को ऊपर उठाने के, राज्य की अर्थव्यवस्था को ठीक करने में बिल्कुल एक तरह से विफल रहे हैं वो लोग। केंद्र सरकार में मोदी सरकार से भी लोग बहुत नाराज़ हैं, क्योंकि उनका भी जो परफॉर्मेंस, उनका भी जो वादा देश की जनता से उन्होंने 2014 में किया था, किसी को पूरा नहीं किया। इसके साथ ही पूर्व सांसद ने देश के वर्तमान हालत के जिक्र करते हुए लोगों से संविधान के साथ साथ देश बचाने की अपील भी की। पंजाब केसरी टीवी के लिए कटिहार से रितेश रंजन की रिपोर्ट।